लंदन में आदमी बोले आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हैं? हमने कहा अंग्रेजों से बोलो ये हिंदी क्यों नहीं सीखता, नाम जानना मन की बात जाने, इनसे कहो ये हिंदी सीखे। बोला जीभ को कहते रसना, ये रसना जीभ का ही स्वाद है। भोजन, आज हम सुबह कह रहे थे भंडारी जी से, भोजन मुंह तक आवे तो बिना स्वाद का, और गल लो देख लेते हैं खाना नहीं है, हम खाते नहीं है, हम भगवान बचाए। आ हमने पिज्जा देखा, अरे राम राम, और खाने वाले भी जब उसे खाते, हम किसी भी अन्न की बुराई नहीं कर रहे हैं, अन्न माता है, अन्न का कण संत का छंद, अर्थ नहीं, पर हम बुरा ना मानिए, हम किसी व्यंजन के विरोध में नहीं है, ऐसा हमें बोलना नहीं चाहिए, ये तो विनोद में बोल दिया, पर पूरा खेल मुंह की जीभ का है। किसका किसका है बोलो? एक संत गाते थे, खिली मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, और कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। आती है कि ये वाला खतरनाक है, जब दांत दर्द करते हैं तब जीभ बताती है ये वाला खतरनाक है, तुरंत उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। इसीलिए भैया जिसने अपनी जीभ को, जुबान को संभाल लिया, उसने अपना जीवन संभाल लिया। और अंतिम बात, जुबान की बात जिसकी जीवन में उतर सिया राम, जैसे दवा जेब में तो हो पर शरीर में ना हो तो क्या काम करेगी? बिस्लरी है, बिस्लरी अंडा भी है, चिल्ल है, चिल्ल है, तो क्या प्यास बुझेगी? बोलो प्यास बुझेगी? जब तक पियोगे नहीं तब तक बुझेगी नहीं। वैसे ही भगवान की कथा, जुबान की कथा जब जीवन